सुप्रभात बच्चों, कल मैंने आपको रतन टाटा के बारे में कुछ बतलाया था कि एक बार वो जब स्कूल में गए तो भाषण के दौरान इन्होंने लोगों से 10 बातें कही और कहे क्या जो मैं जो भी बात बतलाने जा रहा हूँ वो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता होगा, समझे कि नहीं। और इन 10 बातों पर अगर आप अमल कर लेते हो, मेरी इन 10 बातों पर सही से अगर ध्यान तुम दे देते हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। केवल किताबी कीड़ा बनने से जीवन सफल नहीं होगा, है ना। तो ये व्यवहारिक चीज सब है, उसमें पुनः मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ। उनका पहला कथन था कि जीवन में उतार चढ़ाव होता ही रहता है, ये जीवन जो है उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, अतः हमें इन उतार चढ़ावों का आदत लगा लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। दूसरा, जब लोग तुम्हारे स्वाभिमान का परवाह नहीं करते हैं तो तुम पहले खुद उन्हें साबित करके दिखलाओ कि मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करते, इसलिए पहले खुद को साबित करके दिखलाओ। समाज को पहले यह दिखलाना होगा कि मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। स्वाभिमानी का मतलब होता है जो स्व अभिमान, जिस जो अपने अभिमान के तहत चलता है, जिसकी जिंदगी स्वाभिमान से कभी कोई समझौता नहीं। कहीं आप स्वाभिमानी बनते हैं, कहीं जब जाते देखते हैं कि पैसा कौड़ी की बात है तो स्वाभिमान को ताक पर रख देते हैं, उसको स्वाभिमानी नहीं कहते हैं। स्वाभिमानी का मतलब कि अपना एक स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान के रास्ते में हमको लाख मुसीबत आएगा फिर भी हम नहीं डिगेंगे, हमें लाख पैसे आ रहे हैं गलत ढंग से उस पर भी ध्यान नहीं देना है, मेरा अपना जो स्वाभिमान कहता है उसी को करना चाहिए। तीसरा, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 आंकड़े वाली पगार की मत सोचो। एक रात में कोई वाइस प्रेसिडेंस नहीं बनता है, इसके लिए अपार मेहनत की आवश्यकता होती है। तुम्हारे जो लक्ष्य है, पास परीक्षा पास करने के बाद हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये बात नहीं है कि आज हम लक्ष्य बनाएं और कल मुझे सफलता मिल जाए, संभव नहीं है। उसके लिए करत करत अभ्यास ते जरमति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। अभ्यास करने से ये सफलता मिलती है। शिक्षक सख्त तुम्हारे लिए टाइट और डरावना लगते होंगे, समझे कि नहीं। तब तक लगेंगे जब तक तुम्हारे जिंदगी में कोई तुम्हारे बॉस नहीं, बॉस नामक प्राणी से तुम्हें पाला नहीं पड़ता है, तब तक तुम्हें ये लगेंगे। तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे लिए डरावने लगे। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जीवन के समय या जीवन से पहले इतने निराश और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है। माता पिता निराश हैं जीवन से, निराश हो चुके हैं, उबाऊ हो गए हैं, उब गए हैं, ये तुमको लग रहा है। तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे जन्म के उपरांत उन्हें तुम्हारे पालन को
ऑपरेशन में इतना कष्ट उठाना पड़ा कि उनका स्वभाव ही बदल गया। सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूल में देखने को मिलता है, कुछ स्कूल में तो पास होने तक परीक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया के नियम अलग हैं। वहाँ हारने वालों को मौका ही नहीं मिल दिया जाता है। जीवन के दौर में जीवन में जो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है, एक बार आएगी, भगवान एक चांस देते हैं, उस चांस में अगर तुम पास कर गया तो फिर पास कर गया, नहीं तो फिर दोबारा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। इसी सब तरह के 10 पॉइंट बतलाए थे और उसका पालन करने से वाकई मनुष्य रतन टाटा के जैसे रिचेस्ट पर्सन हो सकते हैं। तो आइए अब आपको पढ़ना है, आओ बने कैलाश सत्यार्थी। यह भी पाठ प्रेरणादायक पाठ है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज को जागृत करने का प्रयास किया ताकि वे कैलाश सत्यार्थी के समान बच्चों को शोषण से बचा सके। कैलाश सत्यार्थी का नाम आपने अगर अभी तक नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। यह एक उच्च व्यक्तित्व वाले लोग थे और इस समाज में शोषित वर्ग जो हैं, जो बच्चों का शोषण करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, उसके विरुद्ध ये हमेशा आवाज उठाते रहे और वैसे शोषित वर्गों को सर्वदा शोषण के शिकार होने से बचाते रहे, उसकी रक्षा करते रहे। तो ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं। तो इस कहानी से आपको उनके व्यक्तित्व की प्रेरणा मिलेगी। जैसा प्रखर व्यक्तित्व वाले वो सत्यार्थी जी थे, वैसे ही प्रखर व्यक्तित्व वाले इस कहानी को पढ़ने से आप भी बनिए। कहानी लिखने का लेखक का मुख्य उद्देश्य यही है। अब दृश्य देखिए, एक तरह से एकांकी के रूप से ये कहानी वर्णित है। विद्यालय में बच्चे कक्षा में हैं, तभी एक बच्चा शिक्षिका के साथ अंदर आता है। अन्य विद्यार्थी उस अनजान बालक को देखकर एक पल के लिए चकित रह जाते हैं। एक शिक्षिका के साथ एक बालक भी अंदर में प्रवेश करते हैं। अन्य विद्यार्थी उस शिक्षिका के साथ जो एक बालक अंदर प्रवेश करती है उसको देखकर चकित रह जाते हैं। अब शिक्षिका कहती है कि ये जो नए बालक को लेकर के मैं आई हूं, स्वभावतः इसको देखकर तुम लोगों को आश्चर्य हुआ होगा, तुम आश्चर्यचकित हो भी, तो आज मैं तुम्हारे इस सहपाठी मित्र से तुम्हें मिलवाता हूं। इसका नाम राघवन है। क्या है? राघवन। राघवन, अब राघवन जो है जो कि अपना वो परिचय देता है, कहता है, साथियों आज का दिन मेरे जीवन का
किसी भी स्कूल में जाने का प्रथम दिवस। इतने उम्र में आज तक मैं किसी स्कूल में नहीं गया। आज मेरे जीवन का यह पहला दिन है कि मैं किसी स्कूल में आया हूँ। सुनैना कहती है, इसका मतलब यही है कि तुम इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक तुमने कोई पढ़ाई नहीं की। कभी पढ़ाई नहीं की तब तो स्कूल से संबंध नहीं हुआ तुम्हारा। शिक्षिका कहती है, बच्चों थोड़ा सब्र कीजिए। अब राघवन अपने विषय में स्वयं ही बताए तो अच्छा रहेगा। राघवन जब यहाँ खुद मौजूद है तो राघवन के परिचय या राघवन के बारे में मैं क्यों बतलाऊं। राघवन इस योग्य है कि अपनी सारी बात वह स्वयं आपसे बता सकता है। राघवन कहता है, मित्रों मैं 2 साल तक एक कारखाने में काम करता था। जिस कारखाने में कालीन बनाए जाते थे, मैं 5 वर्ष की उम्र से ही वही काम पर लग गया था। यद्यपि मैं 5 साल की उम्र से ही कालीन के कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था, उस समय मैं बहुत ही छोटा था, लेकिन उस समय भी वहां के लोग काम के दौरान मुझे मारते पीटते भी थे, भरपेट खाना भी नहीं देते थे। बच्चों की बात सुन बच्चे की राघवन की यह बात सुनकर बच्चों में दुख व्याप्त हो गया। बच्चे काफी अचंभित हो गए कि ये तो गलत हुआ। राघवन ने बताया कि कैलाश सत्यार्थी जी ने उसे उस नरक से निकाला। अब देखिए, 2 तरह के मेंटलिटी के बच्चे होते हैं। एक तो होता है कि जिस परिवार की माली हालत बहुत ही खराब होती है, सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं होता है, उस परिवार में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको माँ बाप प्रेरित करते हैं कि जाओ बेटा कुछ कमा के लाओ, तब ना परिवार चलेगा, तुम भी खाओगे मैं भी खाऊंगी। तो मजबूरन परिवार के परवरिश के लिए, यद्यपि वह अभी पूर्ण परिपक्व नहीं है, उसे अभी स्कूल के माहौल में रहना चाहिए, उसे अभी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, लेकिन उस रास्ते को छोड़कर वह 2 पैसे अर्न करने वाले रास्ते को पकड़ लेता है कि अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, और खाएंगे ही नहीं तो मर जाएंगे सारे लोग। तो एक तो मजबूरी उसके साथ ये होती है कि माली हालत खराब होने के कारण, और दूसरी मजबूरी ये भी होती है कि उसके घर की स्थिति बहुत ही सही है। माँ बाप बच्चे को कहते हैं कि पढ़ो लिखो स्कूल जाओ खूब खाओ पियो, लेकिन बच्चे अपने कुछ सहपाठियों के बहकावे में आकर वो भी काम रोजगार में भिड़ जाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। और बचपन के समय जब हाथ में पैसे आते हैं बच्चों के, तो अधिकांश बच्चे खराब
हो जाते हैं, क्योंकि खराब का रास्ता लोग शीघ्र पकड़ लेता है, अच्छाई का मार्ग नहीं पकड़ पाता है, लेकिन बुराई का मार्ग शीघ्र पकड़ लेता है। तो जब उसके हाथ में स्वयं पैसे आएंगे तो वह बुराई के मार्ग पर चलना शुरू कर देगा, शिखर गुटखा खाएगा, दारू तारी पिएगा, जुआ खेलेगा, गलत सलत काम करेगा, है ना। और नहीं होगा, इतना से भी नहीं होगा, तेरे को किसी लड़की को पकड़ के लेके चल आएगा कि हम शादी करके ले आए हैं, अब घर में रखो इसको। क्यों? क्योंकि तो उम्र से पहले ही उसने पैसे को पहचान लिया, अभी उसको पैसा पहचानना नहीं था। तो खैर जो भी हो, ये लड़के चाहे कारण जो भी हो, मजबूरन 5 साल के उम्र में ही या एक कालीन कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वहां के लोग इसे बहुत प्रताड़ित करते थे, मारते भी थे, भरपेट भोजन भी नहीं देते थे। ये बात की जानकारी जब कैलाश सत्यार्थी जी को मिला, उन्होंने देखा कि तो बच्चा बहुत अभी छोटा है। कैलाश सत्यार्थी जी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में पुरानी किताबें इकट्ठी करके उन छात्रों को दी। उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, उसको किसी तरह सत्यार्थी जी बहला फुसला करके उसको उस कंपनी से निकाले, लेकर के घर आए और कहे कि देखो बेटा, अभी तो तुमको पढ़ने लिखने का समय है, तुम जो है चूंकि अभी काहे के लिए इस फेरा में पड़ गया। कहा कि नहीं, मेरे पास कोई किताब की कलम कुछ नहीं है। कहा कि उसका प्रबंध मैं करूंगा, उसके लिए तुमको चिंता करने की बात नहीं है, उसका प्रबंध मैं करूंगा। कहा कि ठीक है। सारा वो मैंने किताब सब जो है ना सो दिया, सारा किताब सब दिया, पुराने से ही लेकिन किताब सब दिया। बड़े होने पर उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की यह क्रांतिकारी आंदोलन है जो बच्चों के हित और अधिकारों के लिए कार्य करता है। सत्यार्थी जी ने इस आंदोलन का आरंभ 1980 में किया था और अब तक वे 80,000 से अधिक बच्चों को जीवन बचा चुके हैं। बचपन बचाओ आंदोलन भारत के 15 राज्यों के लगभग 200 जिलों में कार्य कर रहा है। इस आंदोलन में 70,000 से अधिक लोग कार्य करते हैं। मासूम बच्चे के जीवन को बचाने में लगे हुए हैं, न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी मासूम बच्चों को शोषण से बचाया जा रहा है। बचपन बचाओ आंदोलन ने 2013 में मानव तस्करी के 1199 मुकदमों में लगभग 10% मुकदमे दर्ज कराकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, और इसके संदर्भ में मैं पुनः कल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आज की पढ़ाई को यहीं पर मैं विराम दे रहा हूँ। आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद।